सत श्री अकाल बच्चों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है छेवीं दी पंजाबी दी जमात विच। ते अज असीं करन जा रहे हां पाठ नंबर 7 जो कि कविता है और इसका नाम है कीड़ी। कीड़ी तुहानू पता ही है जिन्हों असीं चींटी कहने हां हिंदी दे विच। कीड़ी राही कवि ने सानू एक संदेश देने की कोशिश की है कि कीड़ियाँ किस तरह मेहनत भी करदियां हन ते सानू अनुशासन विच रहण दा सबक भी सिखाउंदियां हन। एक कविता लिखी है मुसाफर ने और इस दे राही असी जो सिक्ख्या मिल रही है उसनू अपने जीवन विच अपनाउण दी कोशिश करिए। इस अनुसार कीड़ी भावें एक छोटा जिहा जीव है बड़ा गुणवान। वह सारा दिन मेहनत करती है, औखी होवे सौखी होवे अपनी ही मस्ती विच अगे वधदी रहिंदी है। आओ कविता पढ़िए ते इसकी व्याख्या भी नाल नाल समझिए। वधदी जावे वधदी जावे वधदी जावे वधदी जावे तांग किसे विच वधदी जावे किधरों पिणक पई भोरे दी एक दूजे नूं खबर पहुँचावे वधदी जावे वधदी जावे। तांग मतलब उम्मीद, वधदी जावे, वधदी जावे दा मतलब है ये अगे ही तुरदी रहिंदी है, कदे पिछे नहीं वेखदी या अपनी ही मस्ती दे विच चलदी रहिंदी है। अगर इस नूं किधरों पिणक पै जावे, पिणक मतलब पता चल जावे किसे एक दाने दा भी, भोरा मतलब एक दाने दी भी पिणक पै जावे पता लग जावे तां एक दूजे नूं फटाफट खबर पहुँचा दिंदियां ने ते अपने काम विच अगे ही वधदियां रहिंदियां ने। अपनी धुन विच मस्ती अंदर नहीं छड्डदी उदम दी वादी औखी हो सौखी हो जावे वधदी जावे वधदी जावे। वादी दा मतलब हुंदा है आदत। ये अपनी ही धुन अते मस्ती दे विच चलदियां रहिंदियां हन अते उद्यम करन दी जो आदत है, जो परिश्रम करन दी, मेहनत करन दी जो इन्हां दी आदत है उसनू ये नहीं छड्डदियां। औखियां होण भावें सौखियां होण किन्ने वारी असीं देखदे हाँ कि कीड़ी उपर चढ़दी हुई 10 वारी गिरदी है, दीवार ते चढ़दी हुई या किधरे होर ऊंचाई ते चढ़दी हुई 10 वारी गिरदी है, लेकिन फिर भी वह अपना काम जो है नहीं छड्डदी, वार वार उपर नूं ही चढ़दी है। इस तरह वह अगे ही हमेशा वधदी रहिंदी है। ओड़ सोड़ लई करे तैयारी कीड़ी नूं भी जान प्यारी तुरिया रहना होली पर हफना नहीं पैना। ओड़ सोड़ मतलब औखे दिनों लई वह अपनी तैयारी करके रखती है। भावें कीड़ी नूं भी अपनी जान प्यारी है, हर इंसान इस दुनिया ते अपनी जान प्यारी हुंदी है, कीड़ी नूं भी प्यारी है, पर फिर भी वह अपने औखे दिनों लई जिवें बारिशां दे दिन हुंदे हन या सोके दे दिन हुंदे हन उस लई वह अपनी तैयारी करके रखती है, दाणा इकट्ठा करके रखती है। तुरिया रहना होली पर हफना नहीं बहना। वह बेशक होली तुरदी है पर थक के नहीं बहती। हफना का मतलब है साह चढ़ना, कोई साह चढ़े तो वह फिर भी नहीं बहती। तुरदी जाती एक दूजी नाल रलांदी एक इधरों एक अगों आवे एक दूजी ना टकरावे। वह भावें तुरदियाँ ही रहिंदियां हर समय एक दूजी के नाल मिल के एक दूजी नाल रला लैंदियां ने अपने, एक इधरों एक अगों आवे एक इधरों जा रही है एक उधरों आ रही है पर फिर भी वह एक दूजे के विच टकराउंदियां नहीं। जे हथ आया भारा दाणा चवां ने रल मिल के चाणा एक ढूंढे एक चुक ले आवे अगली तीक पहुँचावे एक दे पिछे एक तुरंदी मिलवा उद्यम जत्थेबंदी। हुण इस दे विच कवि कह रहा है कि उन्हां दे हाथ अगर कोई भारा दाणा लग जाता है जिसनों नहीं चुक सकदियां तो चवां ने रल मिल के चाणा, चवां मतलब चार जणियां ने रल मिल के उस दाणे नूं चुक लैणा है, चुक लैंदियां हन। एक ढूंढे एक चुक लियावे, अगर एक जणी नूं दाणा लभ्या है तो दूजी नूं खबर पहुँचा लैंदी है, तो की करदियां ने फिर दोनों मिल के चुक लैंदियां ने या दूजी चुक के लैंदी है। अगली तीक पहुँचावे यानी एक दूजे तक वह खबर पहुँचा दिंदियां ने। एक दे पिछे एक तुरंदी मिलवा उद्यम जत्थेबंदी, जत्थेबंदी का मतलब हुंदा जत्था बना के इकट्ठियां होकर चलदियां ने। तुरंदी मतलब तुरना, एक दे पिछे एक तुरदी है, कदे तुसीं देखना कीड़ियां नूं हमेशा लाइन दे विच तुरदियां ने। तो इत्थों सानूं की जो है संदेश मिलता है कि सानूं भी अनुशासन दे विच रहना चाहिदा है और हमेशा मेहनत करनी चाहिए है। आई होप तुहानूं कविता वधिया लगी होएगी क्योंकि इस कविता के थ्रू सानूं जो कवि ने दो संदेश दिते हैं, एक अनुशासन विच रहन दा अते एक मेहनत करन दा। इस कविता नूं तुसीं आप भी पढ़ लेना एक बारी, बहुत वधिया जो है कविता है कीड़ी दे उपर। इस कविता नूं आप पढ़ना ते कल असीं इसदा करांगे बुक पार्ट। धन्यवाद।